और ऐसा अद्भुत परिसरा महापर्व, कैसा पर्युषणा, जो पर्युषणा को पाकर के अनेक आत्माओं का कल्याण हो गया, जो पर्युषणा को पाकर के आज के समय में हजारों लाखों जीव आत्म कल्याण कर रहे हैं और आने वाले सालों तक पर्युषणा महापर्व को पाकर के अनेक आत्मा कल्याण का मार्ग पकड़ेगी। और ऐसा पर्युषणा महापर्व हमें प्राप्त हुआ और ऐसा पर्युषणा महापर्व प्राप्त होने के बाद में भी यदि हम समझे नहीं, यदि हम जाने नहीं कि पर्युषणा महापर्व का महत्व क्या है, जागे नहीं, भीतर से खुद को देखे नहीं, भीतर में जाए नहीं, खुद के जीवन को बदले नहीं, छोटा सा परिवर्तन लाए नहीं, तो फिर ये पर्युषणा महापर्व आप लोगों के लिए निरर्थक बन जाएगा। ये 8 दिन के बाद आपके हाथ में कुछ उपलब्ध होना चाहिए, 8 दिन के बाद आपके हाथ में कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। कल मैंने पहले दिन बात करी थी प्रेम का पर्व, यह पर्युषणा महापर्व है। दूसरे दिन बताया था, दूसरे दिन प्राप्ति का पर्व, यह पर्युषणा महापर्व है। पर्युषणा महापर्व 1 और 8 उसके प्रति उत्तर है, 8 आंसर्स है कि अलग 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 ढंग से अलग अलग पहलुओं से देखे तब जाके हम जाने, तब जाके हम समझे कि पर्युषणा महापर्व कितना महत्वपूर्ण। और आज बात करनी है पवित्रता का पर्व यानी पर्युषणा महापर्व, जो हमें पवित्र बना दे। संसार में इतनी सारी जगह है आपके पास जो आपको अपवित्र करती है, जहां आपको मात्र और मात्र अपवित्रता मिलती है। लेकिन शास्त्रकार भगवत कहते हैं कि आप कितने भी अपवित्र हो गए, आप कितने भी गंदे हो गए, आप कितने भी मैले हो गए, लेकिन पर्युषणा महापर्व ऐसा है जो आपको पुनः पवित्र कर देता है। ताकत क्या है? एक समापना, ये प्रायश्चित, ये सबसे बड़ी ताकत ये पर्युषणा महापर्व की है। ये आलोचना, ये सबसे बड़ी ताकत पर्युषणा महापर्व की है। जितने भी अपराध किए, जितने भी पाप किए, सबके लिए आदमी के हृदय में गिल्ट फील होता है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया, ये भाव जगाने का पर्व यानी पर्युषणा महापर्व। आप समझना, संसार में पवित्र जल को कहा गया है, कहा कि जल पवित्र है, क्योंकि जल क्या करता है, साफ करने का काम। पवित्र कौन? जो दूसरों को पवित्र बना दे वो पवित्र, और जो दूसरों को अपवित्र बना दे वो खुद अपवित्र। संसार में कई ठिकाने ऐसे हैं, संसार में कई स्थान ऐसे हैं जहां जाकर आप खुद अपवित्र हो जाते हो, लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं ये पर्युषणा महापर्व खुद तो पवित्र है और पास में आने वाले को भी पवित्र बना दे। पूरे साल में किसी से बोलचाल हुई, किसी से अनबन हुई, किसी से मन मुटाव हुआ, किसी से लड़ाई हुई, किसी को आवेश में आकर के कुछ बोल दिया, क्रोध में आकर के किसी के प्रति बुरी भावना भाई, किसी को कुछ गलत शब्द सुना दिया, किसी की निंदा कर ली, किसी की आलोचना कर ली, किसी के लिए हृदय में गलत भाव लाए, ये जितने भी पूरे साल में अपवित्रता आपके भीतर में व्याप्त हुई, जितने भी पूरे साल में आप अपवित्र बने, वो पूरे साल की अपवित्रता को धोने का काम ये पर्युषणा महापर्व 8 दिन में कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि पर्युषणा महापर्व यानी पवित्रता का पर्व। कितना ही पापी हो, कितना ही अज्ञानी हो, कितना ही दुर्गुणी हो, कितना ही दुर्जन हो, कितना ही दुराचारी हो, लेकिन पर्युषणा महापर्व के भीतर ऐसी ताकत है, वो कितना ही पापी हो, दुर्गुणी हो, दुराचारी हो, दुर्जन हो, सभी को पवित्र बना दे, ये ताकत पर्युषणा महापर्व के भीतर है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं ये पर्युषणा महापर्व के 8 दिन चुकना नहीं, बड़े अद्भुत दिन है। यदि भीतर से जुड़ गए, भीतर से भाव जग गए, भीतर से एकाकारता आ गई, भीतर से कनेक्टिविटी आ गई, तो समझ लेना यह पर्युषणा महापर्व आपको भी पवित्र बना सकते हैं। कितनी अद्भुत परंपरा है हमारे यहां पर,
व्यक्ति संवत्सरी प्रतिक्रमण करता है और संवत्सरी प्रतिक्रमण करते करते जितने भी पूरे साल में पाप हुए उसका प्रायश्चित करता है, उसकी आलोचना करता है। पहले तो सबसे पहले तो हमारे द्वारा पाप हुए यह स्वीकार करना ही कठिन है, और वह स्वीकार करने के बाद में मैं गलत हूं, मेरे से गलत हो गया, मैं एक क्षमा प्रार्थी हूं, मैं एक क्षमा मांगना चाहता हूं, ये ताकत बहुत कम लोगों के भीतर खड़ी हो पाती है। इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि परयुषना महापर्व का माहौल ऐसा है कि आपका मन कितना ही अपवित्र हो लेकिन उसको पवित्र बना दे, ये ताकत परयुषना महापर्व के भीतर है। कहा कि परयुषना महापर्व आपकी चार चीजों को पवित्र कर देता है। कहा सबसे पहले नंबर में आपके भावों को पवित्र बनाता है। आप देखना जैसे ही परयुषना महापर्व आते हैं आपके भाव अच्छे बनने लगते हैं। शायद कोई गुरु भगवान का चतुर्मास भी ना हो, शायद कोई प्रवचन के माध्यम से प्रेरणा भी ना मिलती हो, शायद कोई आराधना साधना का संयोग भी खड़ा ना हुआ हो, विदेशों में रहने वाले लोग भी वहां ना कोई साधु संत है, ना कोई प्रवचन सुनने की उनके पास ताकत है, ना कोई क्षमता है, ना कोई प्रवचन का श्रवण कर पाते, लेकिन फिर भी परयुषना महापर्व आते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मंदिर आसपास में हो तो मंदिर चले जाए, कहीं अच्छे भोजन की व्यवस्था बन जाए तो वहां जाकर अच्छा भोजन कर ले, एकासना कर ले, बियासना कर ले, आयंबिल कर ले, कुछ तप त्याग कर ले, कुछ धर्म आराधना कर ले, आपके पास तो गुरु भगवंत है और फिर आपके भाव उठे वो तो ठीक है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके भी भाव उठ जाता है क्योंकि ये परयुषना महापर्व पवित्रता का पर्व है। जब भी परयुषना और परयुषना निकट आते हैं वैसे वैसे भावों में वृद्धि होते जाते हैं। कितना ही नास्तिक हो, कितना ही निर्गुणी हो, लेकिन परयुषना महापर्व के भीतर ये ताकत है, ये आपको पवित्र बना देता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं सबसे पहले नंबर में परयुषना महापर्व आपके भावों को पवित्र करता है। दूसरे नंबर में ये परयुषना महापर्व आपके वचनों को पवित्र करता है। आप मार्क करना, थोड़ी गहराई से सोचना, परयुषना महापर्व में आपका लेट गो नेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कोई आपको कुछ सुना भी दे तो भी लगता है कि ठीक है छोड़ दो, परयुषना महापर्व। कोई आपको दो शब्द कह भी दे फिर भी आप छोड़ देते हो कि नहीं जाने दो, अन्य दिनों में ये शायद आपसे नहीं हो पाता। घर में कोई विवाद भी हो जाए, किसी से बोलचाल भी हो जाए, फिर भी आप लेट गो भाव में आ जाते हो कि छोड़ दो, जाने दो, नहीं बोलना, अपने क्यों बोलना, ये परयुषना महापर्व चल रहा है, जाने दो। आप प्रायः 8 दिन में गलत वचनों का इस्तेमाल नहीं करते। ये ताकत है परयुषना महापर्व की। अन्य दिन में आप वही होते हो और परयुषना महापर्व में भी आप वही होते हो, लेकिन परयुषना महापर्व का ये पावर है, परयुषना महापर्व की ये ताकत है कि आपके वचनों को भी पवित्र कर देता है। यहां जितने भी लोग बैठे, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप मार्क कर रहा, 8 दिन में आपके मुंह से गाली नहीं निकलेगी, 8 दिन में आपके मुंह से अब शब्द नहीं निकलेगा, 8 दिन में आपके मुंह से किसी के प्रति शराब के शब्द नहीं निकलेंगे, 8 दिन में आपके मुंह से किसी की निंदा के शब्द नहीं निकलेंगे, 8 दिन में आपके मुंह से किसी की आलोचना के शब्द नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि छोड़ दो ना, 8 दिन तो आराधना का अवसर है, क्यों किसी की निंदा करनी, क्यों किसी की आलोचना करनी, क्यों किसी को सुनाना, क्यों किसी को गाली देनी, सब कुछ आपका छूट जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं परयुषना महापर्व यानी पवित्रता का पर्व, पहले नंबर में आपके भावों को पवित्र बना देता है, दूसरे नंबर में ये आपके वचनों को पवित्र बना देता है, तीसरे नंबर में ये आपकी क्रियाओं को पवित्र बना देता है। आप मार्क करना, 8 दिन में आप कोशिश करते हो कि ज्यादातर पाप की क्रियाएं ना, कम से कम पाप का बंद हो ऐसी क्रिया हो, हिंसा की क्रियाएं कम कर देते, बाहर जाने की क्रियाएं कम हो जाती है, आपका शरीर शुभ अध्यवसायों में आने लगता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बराबर कान खोल के सुन लेना, ये परयुषना महापर्व पवित्रता का पर्व है। आपकी क्रियाएं बदल जाती है। जो व्यक्ति शायद पूरे साल में उपास रह ना गया हो लेकिन फिर भी परयुषना महापर्व आते तो लगता है कि नहीं चलो सुबह शाम का प्रतिक्रमण तो कर ले कम से कम, प्रवचन का श्रवण तो कर ले कम से कम,
परमात्मा की पूजा तो कर ले कम से कम, परमात्मा की भक्ति तो कर ले कम से कम। जहां जहां आपको अवसर मिलता है शुभ क्रियाओं का, जहां जहां आपको अवसर मिलता है शुभ आलम्बनों का, आप वह छोड़ते नहीं हो, उसको पकड़ लेते हो। ये परिसरा महापर्व की ताकत है, और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बराबर सुन लेना, परिसरा महापर्व ये पवित्रता का महापर्व है। यह आपके भावों को पवित्र बना देता है, यह आपके वचनों को पवित्र बना देता है, यह आपकी क्रियाओं को पवित्र बना देता है। और चौथे नंबर में कहा कि यह आपके हृदय को भी पवित्र बना देता है। परिसरा महापर्व की ताकत है, सच कहना। ये 8 दिन किसी के प्रति बुरा भाव कितनी बार आता है? नहीं आता, प्रायः नहीं आता। जो थोड़ा बहुत धर्म को समझा है, जो थोड़ा बहुत धर्म को जाना है, जो थोड़ा बहुत धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसके भीतर थोड़े बहुत संस्कार बचे हुए, जो जानता है कि परिसरा महापर्व का महत्व क्या है, उसके भीतर 8 दिन प्रायः किसी के लिए बुरा विचार नहीं आता, किसी के लिए बुरे भाव नहीं आते, हृदय भी आपका पवित्र बन जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये परिसरा महापर्व ये पवित्रता का महापर्व है, और यह पवित्रता के महापर्व को पाकर के भी यदि हम पवित्र न बन पाए तो फिर कब बनेंगे? 8 दिन हमें कोशिश करनी है हमारे भाव पवित्र बन जाए, हमारे विचार पवित्र बन जाए, हमारे वचन पवित्र बन जाए, हमारे शब्द पवित्र बन जाए, हमारी क्रियाएं पवित्र बन जाए, हमारा हृदय पवित्र बन जाए, हमारा आत्मा पवित्र बन जाए, और अंततः हमारा पूरा जीवन पवित्र बन जाए। यह कोशिश आपको 8 दिन करनी है, और यह 8 दिन में यह ताकत है आपको पवित्र बना सकते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि परिसरा महापर्व को पाकर के पवित्र बनने की कोशिश करना, क्योंकि पवित्रता का पर्व यानी परिसरा महापर्व। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।